कबाड़ से जुगाड़ करनी है तो आ जाइए मेरे चैनल में। और ये मुंडी हिलाने वाले प्लांटर अगर आप लोगों को देखना है, बनाना है, तो आप लोग बेझिझक बना सकते हैं। मैं आप लोगों को बना के भी दिखाऊंगी और मेरे चैनल में बना के पड़े भी हैं। अगर आप लोगों ने खोल लिया है वीडियो तो 2-3 मिनट रुक जाइएगा, छोड़ के नहीं जाइएगा, क्योंकि वैसे भी मेरी वीडियो जाती है नहीं है और मेरा मन बहुत रोने का करता है जब व्यूज़ नहीं आते। लेकिन ये भी पता है कि रोने से होने वाला कुछ नहीं है, जब भगवान की कृपा होगी तभी होगा, ऐसा अपने आप से कुछ होने वाला नहीं है। फिर भी मैं अपने गार्डन में दिन रात मेहनत करती हूँ। एक एक प्लांटर, एक एक प्लांट के पीछे बहुत टाइम लगता है फ्रेंड। लोग एक प्लांट लगाते हैं और उनका सूख जाता है, हम तो इतने सारे प्लांट लगाए हैं, इनके पीछे बहुत मेहनत करती है फ्रेंड करनी पड़ती है। वैसे भी मेरी छोटी सी छत है, आप लोगों से बता दूँ तो, जो प्लांट धूप नहीं बर्दाश्त कर सकते उनको पहले मैं अंदर रखती हूँ, फिर रात में उनको बाहर निकाल के रखती हूँ। आप लोग यहाँ देख लीजिए, वो तख्त आप लोगों को दिख रही है, वहाँ भी रखे प्लांट, उन सबको मैं इन सबको बाहर निकालती हूँ जब शाम हो जाते हैं। सुबह होती है तो फिर इनको अंदर रखना पड़ता है, तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। प्लीज़ तो आप लोग मेरी मेहनत के लिए एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक चीज़ आप लोग बता दो, जिस दिन मैं मेहनत करके कोई चीज़ आप लोगों को बना के दिखाती हूँ उस दिन आप वीडियो को नहीं पसंद करते हैं। तो मैंने आज ऐसे ही आपने जो भी प्लांटर बनाए हैं आप लोगों को दिखाए हैं, तो आप लोग वीडियो को देखिएगा ज़रूर। चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू हमके गार्डन। तो आप सब कैसे हैं, अच्छे होंगे, ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड आज मैं आ गई हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ, तो आप लोग वीडियो बने रहिएगा और देखिएगा जरूर। प्लास्टिक बोतल प्लांटर आज मैं दिखाऊंगी, तो आप लोग वीडियो बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड, अगर आपके पास ऐसी प्लास्टिक बोतल हैं जो हम पानी पी करके फेंक देते हैं, उनको बिल्कुल भी मत फेंकिए फ्रेंड। उनमें से बढ़िया सुंदर से प्लांट लगा लीजिए और अपना गार्डन सजा लीजिए, बहुत खूबसूरत लगते हैं ये प्लांटर जब हम इनको इतने सुंदर तरीके से बनाते हैं। देख लीजिए, ये बिल्कुल प्लास्टिक बोतल है जो पानी पीते हैं, बिसलरी वाली बोतल है। और देखिए मैंने इसमें स्पाइडर लगाया हुआ था और ये अच्छे से लग गया है। इसमें मैंने यूफोर्बिया की कटिंग लगाई हुई थी और इसमें मैंने लाल सा घास की कटिंग लगाई है, देखिए कितने अच्छे से ग्रो होने लगे हैं। तो फ्रेंड इस तरह की कोई भी अगर आपके पास प्लास्टिक बोतल है, या फिर देखिए शैम्पू के, ये मेरे शैम्पू के डिब्बे थे और देखिए इनमें से कितने सुंदर से ये मेरी कटिंग लग गई है और कितनी अच्छे से ग्रो होने लगी है। तो आप इस तरह के प्लांटर होते हैं जो बिल्कुल भी मत फेंके, उनमें से बहुत अच्छे से कटिंग लग जाती है और चलती भी है, ख़राब भी नहीं होती है। देखिए ये मेरे लगा हुआ है, ये आइसक्रीम की डिब्बी है और देखिए प्लास्टिक की, और इसमें ये क्या कहते हैं मदर प्लांट कितने अच्छे से ग्रो हो रहा है फ्रेंड। और मदर प्लांट जब मैंने लगाया था तो बिल्कुल छोटा बेबी था, अब देखिए कितना अच्छे से ग्रो हो गया। तो आप इस तरह के प्लास्टिक बोतल बिल्कुल भी मत फेंकिए, इनमें से सुंदर सुंदर से प्लांटर बना के और अपना गार्डन सजा सकते हैं। इधर आप देख सकते हैं ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं, ये हैं रिफाइंड कट्टी जो आप अपने किचन से निकली हुई, उनको आप बेस्ट न फेंकिए, अपने गार्डन में यूज करिए। फिर इधर ये देखिए प्लास्टिक कट्टी एक ये है रिफाइंड की, इसमें मैंने स्पाइडर लगा रखा है, उनमें भी स्पाइडर लगा रखा है क्योंकि स्पाइडर बहुत ज़्यादा हो गया था, तो मैंने बहुत सारा स्पाइडर लगा रखा है क्योंकि गर्मियों में मेरे छत में 2 खंड की छत है ना, तो धूप बहुत ज़्यादा आती है फ्रेंड। तो यहाँ पर कुछ प्लांट होते हैं जो ख़राब हो जाते हैं धूप की वजह से, स्पाइडर जैसे बहुत ज़्यादा धूप निकलती है ना फ्रेंड, मई जून जुलाई में ऐसी कड़ाके की धूप निकलती है कि स्पाइडर को ज़्यादा धूप पसंद नहीं है, इसकी पत्तियाँ जलने लगती हैं। अब आप देख लीजिए इधर प्लास्टिक बोतल ही पूरे में प्लांट लगे हुए हैं। तो अगर कबाड़ से जुगाड़ अगर आप लोगों को गार्डनिंग अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल में देख सकते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जब मैं कुछ बना के दिखाती हूँ तो आप लोग वीडियो नहीं देखते ना, वो वीडियो मेरी जाती है। जब भी मैं कट करके या बना करके मेहनत करके आप लोगों को दिखाती हूँ तो आप लोग बिल्कुल भी नहीं देखते हो, पता नहीं क्यों। और जब मैं ऐसे ही आप लोगों को दिखाती हूँ तो थोड़ा बहुत तो आप देख लेते हो, तो थोड़ा बहुत व्यूज़ 2-4 व्यूज आ ही जाते हैं। और जब मैं करके मेहनत करके बना के दिखाती हूँ तो उसमें से व्यूज ही नहीं आते हैं, तो इसीलिए मेरा बनाने का मन नहीं करने लगा फ्रेंड। बहुत दिक्कत होती है अगर मैं एक एक प्लांट बना के दिखाती हूँ फिर आप लोग एक भी पसंद नहीं करते हो और ना ही वो वीडियो जाती है मेरी, तो मुझे बहुत दिक्कत होती है। ऐसा लगता है कभी कभी इतना रोना आता है कि बस बंद कर दो, अब कुछ
कुछ ना करो, गार्डनिंग बंद कर दो। कभी कभी इतना रोना आता है, मन बहुत उदास हो जाता है, और एक भी व्यूज़ नहीं जब आते तो बहुत ज़्यादा रोना आता है। फ्रेंड करे तो करे क्या, फिर भी दिल नहीं मानता बनाने को, फिर भी बनाते हैं, मेहनत करते हैं, दिन दोपहरी लगातार इस गार्डन के पीछे लगे रहते हैं, सारा सारा दिन मेहनत करते रहते हैं। कभी कुछ कभी कुछ ये लगता है कुछ नई वीडियो, कल कुछ नई वीडियो डालें, क्या बनाएं क्या डालें, ऐसा लगता रहता है फ्रेंड, सोचते रहते हैं। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को सपोर्ट करें ताकि मेरा चैनल आगे बढ़े और मेरा भी चैनल ग्रो हो। देख लीजिए आप, ये मुंडी हिलाने वाले प्लांटर मैंने प्लास्टिक बोतल से बनाए हुए थे, कितने खूबसूरत लगते हैं। एक ये मेरा रखा हुआ है, ये देख लीजिए, तो ये सारे मेरे प्लास्टिक बोतल हैं। इधर साइड आप देख लीजिए, सारी प्लास्टिक बोतल ही रखी हुई हैं। फिर मैंने ये बनाया हुआ था, ये डग प्लांटर आप लोग देख लीजिए बनाया हुआ था, और ये इस तरह से बनाया हुआ था ये डक प्लांटर, और प्लास्टिक बोतल से ही है ये पूरा, ये देख सकते हैं। इस तरह छोटी बोतल से आप बना सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगता है, गार्डन में रखा हुआ एकदम प्यारा क्यूट सा लगता है, बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड। तो ऐसे प्लांटर आप भी अपने गार्डन में बना सकते हैं बेझिझक, बस थोड़ी मेहनत लगती है फ्रेंड, तो मन बहुत अच्छे से जाते हैं और बहुत खूबसूरत लगते हैं। ये देख लीजिए, ये स्टैंड मैंने प्लांट रखने के लिए बनाए हुए थे, और जब मैंने इनको बना के दिखाया तो आप लोगों ने एक भी नहीं पसंद किया। और फ्रेंड मैं एक एक करके इतनी मेहनत से बनाती हूँ और आप लोग देखते नहीं हैं। जब मैंने बनाया था आप लोगों को दिखाया था कि मैंने कैसे कैसे इनको बनाया, क्या क्या किया है। तो आप लोगों को अगर बनाना है इस तरह तो मेरे चैनल में वीडियो इसकी पड़ी है, आप लोग इसको देख के बना सकते हैं। ऐसे सुंदर से प्लांट रखने के स्टैंड बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। ये प्लास्टिक बोतल के ढक्कन से बनाया था, ये टाइल्स के टुकड़ों से बनाया हुआ है, और ये सभी सीमेंट बालू और प्लास्टिक बोतल, इन सब से बनाया है फ्रेंड। अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो आप लोग वीडियो को देख सकते हैं। इधर आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से अपने प्लांटर यहाँ पर रखे हुए हैं सजा के। पहले तीन खंड में मैंने स्टैंड बनाया हुआ है और सभी प्लांटर यहाँ पे मैंने सेट से रखा हुआ है। इधर साइड भी देख लीजिए रखे हुए हैं मेरे, ये देख सकते हैं, जितने भी मैंने पेंट किया है सभी को यहाँ पे रखा है, अभी बाकी और आगे रखे हुए हैं। और इधर आप लोग देख सकते हैं ये मुंडी हिलाने वाले प्लांटर मेरे यहाँ पर रखे हुए हैं, क्योंकि छत में टंगे हैं, ये मेरे जीना की दीवार है वहाँ पे मैंने इनको टांग दिया है, क्योंकि छत में हवा चलती है तो ये मुंडी हिला हिला के और नीचे गिर जाते हैं, है ना। देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। अब जब ये पूरी गर्मी समाप्त होगी उसके बाद फिर मैं इनको बाहर लगा के रखूँगी, तो अभी फ़िलहाल मेरे यहीं पे रखे हुए हैं। और आप लोगों को अगर अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को देखिए ज़रूर। ये देखिए ये छोटे छोटे से ऐसी चीज़ें मुझे बनाने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत पसंद है, कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ, बट व्यूज़ ना आने के कारण मेरा मन बहुत उदास हो जाता है, और आज भी मन बनाने का मन नहीं था। फिर एक मन में यही ख्याल आया कि चलो बना के डाल देते हैं। हर एक दिन किस्मत को आजमाना पड़ता है, करे तो करे क्या, कुछ समझ ही नहीं आता। आप लोग देख सकते हैं ये सारे प्लास्टिक बोतल ही रखी हुई है मेरी, यहाँ सब कुछ प्लास्टिक बोतल का ही है। यहाँ पे स्पाइडर कटिंग मेरी लग चुकी है, ये देखिए एक एक, देखिए यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है ये बेबी सन रोज, स्पाइडर यहाँ पे, स्पाइडर ये सारी स्पाइडर ही लगा हुआ है इनमें से, यहाँ भी स्पाइडर ही लगा है फ्रेंड, और यहाँ पे रियो की कटिंग लगी हुई है, यहाँ भी स्पाइडर, सारे चीज़ों में स्पाइडर ही लगा हुआ है। तो बाय बाय, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।